दोस्तों ये बात आप लोग जानते हो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि डार्लिंग प्रभास की फिल्म सलार को और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रोमांस के असली बादशाह यानी कि एक्शन को भरते हुए असली किंग शाहरुख खान की फिल्म डंकी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए एक एक हफ्ता हो चुका है। तो भाई इन दोनों फिल्मों का पहला हफ्ता बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में कैसा गया है, चलिए इस बात की जानकारी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ इन दोनों फिल्मों के या पहले हफ्ते के आखिरी दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि डार्लिंग प्रभास के फिल्म सलार को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म के पहले हफ्ते के आखिरी दिन जो पूरे इंडिया में टिकट बिके थे ना उसकी संख्या थी 6,55,934। कितने शोज के माध्यम से? तो भैया 9,149 शोज के माध्यम से, यानी कि 6,55,934 टिकट जो है वो इस फिल्म के 9,149 शोज के माध्यम से बिके थे 26.47% के ऑक्यूपेंसी रेट के माध्यम से। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया कल इस फिल्म के PVR के माध्यम से जो पूरे इंडिया में टिकट बिके थे उसकी संख्या थी 91,856, जिसके वजह से इस फिल्म को 2,61,00,000 रुपीज का एडवांस बुकिंग मिला था। उसके बाद इस फिल्म के आईनोक्स के माध्यम से जो कल टिकट बिके थे उसकी संख्या थी 73,993, जिसकी मदद से इस फिल्म को 1,83,00,000 रुपीज का बिजनेस आईनोक्स से मिला था एडवांस बुकिंग में। उसके बाद यह इस फिल्म के सिनेपॉलिस के माध्यम से जो कल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टिकट बिके थे उसकी संख्या थी 35,782, जिसकी मदद से इस फिल्म को 96,00,000 रुपीज का बिजनेस मिला था सिनेपॉलिस से। यानी कि इंडिया के इन तीन प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से इस फिल्म को जो कल एडवांस बुकिंग मिला था वो आंकड़ा था 5,44,00,000 रुपीज का। और उसके बाद इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई इस फिल्म को सभी लैंग्वेजों के माध्यम से पूरे इंडिया में जो कल कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 12,59,00,000 रुपीज का। और भाई इस कलेक्शन के माध्यम से ये फिल्म भैया बहुत जल्दी ही 300 करोड़ का आंकड़ा इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पार करके दिखाने वाली है ट्रेड फिगर के हिसाब से, प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से। तो भैया ये आंकड़ा ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुकी है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें भैया डंकी की, तो भैया डंकी को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया कल इस फिल्म के पूरे इंडिया में जो टिकट बिके हैं उसकी संख्या है 3,15,030। कितने सारे शोज के माध्यम से? तो भैया 6,943 शोज के माध्यम से 18.55% ऑक्यूपेंसी के रिपोर्ट के हिसाब से। यानी कि भैया इस फिल्म के PVR से जो कल टिकट बिके थे उसकी संख्या थी 60,898, जिसकी मदद से इस फिल्म को PVR से 2,26,00,000 रुपीज का एडवांस बुकिंग मिला था। उसके बाद भी आईनोक्स से इस फिल्म के जो कल टिकट बिके थे उसकी संख्या थी 40,870, जिसकी मदद से इस फिल्म को 1,44,00,000 रुपीज का एडवांस बुकिंग मिला था कल के लिए। देन उसके बाद भी सिनेपॉलिस से इस फिल्म के कल जो टिकट बिके थे उसकी संख्या थी 22,376, जिसकी मदद से इस फिल्म को 75,00,000 रुपीज का बिजनेस सिनेपॉलिस से एडवांस बुकिंग में मिला था। यानी इंडिया के इन तीन प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से इस फिल्म को 4,45,00,000 रुपीज का एडवांस बुकिंग मिला, जिसकी मदद से यह फिल्म कल जो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर पाई है वो आंकड़ा 7,11,00,000 रुपीज के आसपास का है। यानी कि भैया फाइनली ये फिल्म जो है वो अब 260 करोड़ के बिजनेस के करीब पहुंच चुकी है कमाई के मामले में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यह दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धीरे धीरे अपनी रफ्तार फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि भैया अभी इन दोनों फिल्मों के पास में कई सारे हॉलीडेज आने वाले हैं जैसे ही नया साल आएगा। वैसे आप अपने कमेंट के बारे में जरूर बताइएगा कि भैया इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे पहले 1,000 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर पार करके दिखा देगी, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।